नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। इटावा में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से 3 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें, चोबिया थाना क्षेत्र के नकला बने रविवार दोपहर 12 बजे 3 वर्षीय बच्ची को डायरिया बनने से झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने पर उसकी मौत हो गई। राधिका पुत्री विनोद कुमार उर्फ भूरे निवासी नगला बने थाना चौबिया ने आरोप लगाया है कि रविवार दोपहर बच्ची को डायरिया हो जाने पर झोलाछाप डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद बच्ची को घबराहट होने लगी और अजीब सी बेचैनी उसको होने लगी। आनन फानन में उसे बसरेहर CSC ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। 3 साल की बच्ची होने के कारण उनके पिता विनोद कुमार उर्फ भूरे घर ले जाकर पहुंचे, पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आपकी बच्ची कैसे खत्म हुई? वो पंटी हुई और लेटर हुई, दस्त भाई हुआ ज़्यादा और पंटी बहुत भाई हुई। उसके बाद हम थे नहीं घर पर, मैं खेती रहे थे, पानी लगा रहे थे। यहाँ डॉक्टर कोई ऐसे प्राइवेट में दिखा दिया था, इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद? उसके बाद मैं आए 2 बजे पे, तो मैं यहाँ हेगल बेगल बाल पर पड़ी थी, फिर उसको ले गई मैं साकिन से बिना जी बिना मना कर दी उन्हें, इटावा लेके जाओ तुरंत ही ले जाओ। फिर बीना से फिर हमें सवारी करी, वो यहीं बीना ही नहीं खत्म हो गई, क्योंकि स्कूल से पहुँचे स्कूल से हाथ पाए बैठने लगे। क्या बसरिया स्वास्थ्य केंद्र लेके पहुँचे बच्चे? हाँ, नहीं नहीं पहुँच पाए, नहीं अब तक खत्म। हम खत्म तो पहले ही गए, पर अपने विश्वास से लेके गए। क्या नाम था बच्ची? उसका नाम राधिका। बसरेहर विकासखंड क्षेत्र में जगह जगह अपनी दुकान सजाए बैठे हैं झोलाछाप डॉक्टर। इन डॉक्टरों के पास ना तो कोई डिग्री होती है और ना ही कोई प्रमाण पत्र, लेकिन खुद को एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बताते हुए मरीजों की जिंदगी के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। बहरहाल जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कि ये डॉक्टर कब तक मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे या इनके खिलाफ शासन प्रशासन कभी कोई कार्यवाही भी करेगा। इटावा उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए महावीर यादव की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक।